भारत आज से जरूर मनाएं। कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्रायः 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकी जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टेलाजोलाइट के प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन, वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकी जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से ही ब्लैकबॉर्न, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉइड्स सागर में किनारे वाले अंचल में पौधे फैलाने लगे। बहुत प्रकट हुए जिसकी पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता था। सरसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोनेटस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम दानव जैसा ड्रैगनफ्लाई, साथ ही दिलचस्पे बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे जो कुछ चार पैरों से चल रहे थे तो सियालोफाइसिस 2 पैर वाले डायनासोर। ब्रेचियोसॉरस की लंबाई 23 मीटर थी जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी और इनका वजन 75 टन था।
सिर्फ आकाश और सागर में छा गए। समुद्र में रहते थे। सबसे प्राचीन पूर्व संस्कृत यूनिमोर्फोडॉन हवा में उड़े थे। इसी दिन प्रथम पक्ष आर्कियोप्टेरा का उदय हुआ के अंतिम चरण से क्रिटेशियन थी। पेंशिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया महादेश प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लाभ। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां भूमध्य रेखा के पास आत्मा में उष्णता लगी है, परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे। स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टीरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी दो मंजिला मकान के आकार का था। का इस्तेमाल करते थे। सभी डायनासोर प्रायः 6 करोड़ वर्ष पहले विलुप्त हो चुके थे। आखिर क्यों? डायनासोर के विलुप्त होने के बाद भूस्थल पर स्तनपायी प्राणियों का आधिपत्य शुरू हुआ। पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार में बदलते गए। इसी समय बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आने लगे। हाथी के पूर्वज डायनोथेरे और घोड़े के पूर्वज योहिप्पस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाले आज के दिनों के पक्षी इन्हीं दोनों जन्मे थे। डायाट्राइमा जैसे बड़ी पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादर से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ है। रोइंदार गेंदे, रोइंदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोम की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया। पुष्पगुंबद आकार के घोड़नुमा ग्लाइकोडोन जैसे विशाल आर्मडिलो भी उन दिनों मौजूद थे। सिल्वर टूथ वाले बाघ और विशाल सिंह वाले हिरण जंगल में शांति से विचरण करते थे। संभवतः समय विकसित होकर आप अन्य रूपों में बदलती हो दूसरे प्रदूषण पैदावारों में मानव की नासा और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक की भारत के विरासत का अपने अनुभवों को लागू